मान्यवर, देश भर में पीएफआई को हमने बैन किया। दुनिया भर में भागे हुए गुनेगारों को आज वापस लिया जाता है। एनआईए के 9 घनघोर आतंकवादी कृत्य करने वाले लोगों को दुनिया भर से चूम उठाकर हम वापस लाए और 6 राज्यों की पुलिस को भी उनको वापस लाए। सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसेवाले की हत्या का आरोपी था, उसको भी 5 वापस लाए और तवर राणा का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुंचा है। मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राणा को भारत की कानून की अदालत के तहत लाएगा। माननीय, विदेश में भारतीय दूतावास पर लंदन, उटावा, सेंट फ्रांसिस्को पर जो हमले हुए वो तीनों मामलों को हमने एनआईए को सौंपा है। और माननीय, लगभग मैं यूएपीए को कठोर करने का निर्णय बिल लेकर आया था यहाँ पर और उस सदन में दिग्विजय सिंह कहते थे इसका दुरुपयोग होगा। मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ, विपक्ष को भी बताना चाहता हूँ, यूएपीए का उपयोग टेररिस्ट कृत्य करने वाले खिलाफ इनके खिलाफ होता है। हम किसी को डरने की जरूरत नहीं, उस वक्त भी मैं समझ सकता था आपको क्यों डर लग रहा है, परंतु जिन्होंने टेररिस्ट कृत्य नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 54 व्यक्तियों को हमने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया, इंटरनेशनल मान्यता लाए हैं, पर एक में भी विवाद नहीं हुआ है, कोई राजनीतिक दुरुपयोग मान्यवर नहीं। मान्यवर, अभी गोगाई जी नार्कोटिक का बात करते थे, वो कहते थे कि नार्कोटिक्स का चलन बढ़ गया है। मान्यवर, इनकी समझ में थोड़ा फर्क है, मैं बाद में दुरुस्त करता हूँ इसको। मान्यवर, मोदी जी ने 2014 से गृह मंत्रालय के अधीन, पहले श्रीमान राजनाथ जी थे, अब मैं गृह मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, नार्कोटिक्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति को हमने अपनाया। एनकोड 2019 में बनाया गया, फिर इसको 4 स्तरीय किया गया, एनकोड पोर्टल, डेटा इंटीग्रेशन और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पे पोर्टल बनाए गए, मादक पदार्थ की तस्करी के विस्तृत जांच के लिए JCC जिसमें ढेर सारे डिपार्टमेंट और सरकारें होती है इसका गठन किया गया, डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स राज्यों में बनाई गई, राष्ट्रीय नार्कोटिक कैनाइन पुल की स्थापना की गई और 75 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1,65,000 किलोग्राम नार्कोटिक्स को जलाया गया और अब वो टोटल आजादी के अमृत महोत्सव के 1 वर्ष में 10 लाख किलो पहुंच गया है। अब मैं जो गोगाई जी कहते थे इसका जवाब दिया। मान्यवर, आंकड़े किसी की शर्म नहीं रखते, आंकड़े बेशर्म होते हैं और आंकड़े हमारे कामों से खड़े होते हैं, आंकड़ों को बाद में बदला भी नहीं जा सकता। अब 2006 से एक सरकार थी यहाँ, यूपीए की सरकार थी, जिसको हम पर थोड़ा अविश्वास है, 2006 से 13 का समय उनका ही था, उसमें क्या हुआ, जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी। मान्यवर, मैं फिर से सदन का और सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी और 2014 से 22 तक 1,52,000 करोड़ से बढ़कर 3,73,000 किलोग्राम ड्रग्स हमने जब्त